नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एनकेसी न्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 69,000 शिष्यवृत्ति को लेकर। तो दोस्तों, आप सभी को पता था कि इसकी सुनवाई होनी थी दोस्तों, मतलब चेंज कर दिया गया था। न्यायाधीश यानी सीजे थे दोस्तों, चीफ जस्टिस, उनमें चेंज कर दिया गया था और कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, ये दोनों बदल चुका है, यहाँ से देख पा रहे हैं। मैं सही लिखा हूँ, ये जो है मुख्य यानी सीजे के ही बेंच में सुनी जाएगी, मतलब मुख्य न्यायाधीश में ही सुनी जाएगी। कोर्ट नंबर वो भी 26 में सुनी जाएगी, वो बदल चुका है। और यहाँ देख रहे हैं कि सुनिश्चित ये कर लिया गया है। कॉज लिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, और मोदी सरकार ने भी कुछ कुछ खबरी दिया है, तो भी देख लेंगे सभी विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ खबरी दिए हैं। पूरी अपडेट निकल के सामने आ रही है आज की ताज़ा खबर में दोस्तों। और रिजवान अंसारी दिया, आप सभी को बताया गया था कि कोर्ट नंबर 3 में ही सुनवाई की जाएगी और दोस्तों मुख्य न्यायाधीश नहीं ये करेंगे। दोस्तों, देखिए क्या क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं, पूरी अपडेट देखते हैं क्या अपडेट निकल के आ रही है, पूरी ताज़ा खबर निकल के आ रही है। तो जो लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर ले, ताकि ऐसे ही काम करने के साथ आप लोग अलर्ट अपडेट रह पाएंगे। तो पूरी अपडेट अभी देख लेंगे। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप लोग 29 मई की ही सुनवाई होगी। और दोस्तों, यहाँ से देख पा रहे हैं लखनऊ बेंच 29 मई का ये है। और ये देख रहे हैं 10:15 ही सुनवाई की जाएगी, देख रहे हैं चीफ जस्टिस। और देख रहे हैं यहाँ पर स्पेशल अपील। और दोस्तों, तो पूरी अपडेट देखते हैं क्या क्या अपडेट निकल कर आ रही है ताज़ा खबर में। दोस्तों, यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये है कोर्ट नंबर 26 में सुनवाई होगी, यहाँ पर देख रहे हैं। और ये 10:15 तो है ही सुनवाई होगी। जस्टिस जो हैं देख रहे हैं सौरभ लोनिया हैं। और दोस्तों, यहाँ पर पूरी अपडेट दे रहा है, आराम से देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों, स्टेट VSUP देख रहे हैं। तो देखिए, रिजवान अंसारी जो उनके द्वारा कहा गया है, वो हो सकता है झूठ भी साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए जो कॉल लिस्ट है, कॉल लिस्ट गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग, सब के साथ देखा रहा हूँ। तो दोस्तों, और देखते हैं क्या क्या खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो ये जान लीजिए, आपका कोर्ट नंबर 26 में वो भी 10:15 में सुनवाई हो सकती है। तो दोस्तों, देखिए क्या होता है, उस दिन कट ऑफ पर भयंकर बहस चलेगी और हो सकता है आपका जीत भी हो सकता है। तो दोस्तों, देखिए 60-65 को लेकर क्या अपडेट निकल कर आती है, और देखते हैं अपडेट क्या निकल कर आ रही है ताज़ा खबर। दोस्तों, यहाँ से देख पा रहे हैं कि 5,00,000 शिक्षकों की देख रहे हैं भर्ती करेंगी केंद्र सरकार यहाँ पर। और यहाँ देख रहे हैं कि पूरी ये जो है मोदी सरकार, वहाँ द्वारा अपडेट किया जा रहा है नई दिल्ली द्वारा। यहाँ से देख पा रहे हैं कि आप लोग भारत को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 शिक्षण संस्थानों की रेस में शुमार करने की तैयारी के तहत मोदी सरकार 5,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। तो यहाँ पूरी अपडेट दे रहा है, देख रहे हैं 30 जून तक ही जारी होगी अधिसूचना। देख रहे हैं पूरी अपडेट दे रहा है, यहाँ आप इसको आराम से देख सकेंगे रोक के। इसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप पिछले वीडियो के जाके विजिट कर लेना। यहाँ भी देख रहे हैं कि ये जो है केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारों को भी भर्ती में जिम्मेदारी तय की जाएगी। यहाँ देख रहे हैं पूरी अपडेट दे रहा है, आराम से इसको रोक के देख पाएंगे। तो दोस्तों, जो भी अपडेट निकल कर आएगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और देखिए, मोदी सरकार अब जीत चुके हैं, तो अब देखिए जो स्टूडेंट हैं, जिन जो भी हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, मजदूर हैं या बिजनेसमैन हैं, सभी को अब दोस्तों खुश करने के लिए कुछ न कुछ नया तोहफा और बड़ा बड़ा काम करेंगे। तो दोस्तों, देखिए आप लोग के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी हो सकती है, और ये भी देखिए खुशखबरी की बात है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मोदी सरकार कुछ ऐसा ही नया स्टूडेंट के लिए ही खुशखबरी लाते रहे, तो नीचे मोदी सरकार जरूर लिख देना। तो नए अपडेट मिलते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।